नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गोधा। आज का जो एक घटनाक्रम है वो ही बताता हूँ। मैं भैया के साथ हूँ। ये भैया हैं, इनका फ़ोन मिला होगा करीब 3-4 दिन हो गए ना? नहीं, मेरे हिसाब से मोबाइल गमे हुए नहीं। फिर मिला कब है? मिला तो परसों के दिन। परसों के दिन नहीं, उससे पहले मिला है या दो दिन पहले मिला? अरे दो दिन नहीं, 3-4 दिन हो गए। परसों के दिन, चलो दो दिन माने। जिस दिन ये आए मेरी शॉप पे, दो दिन पहले सुबह सुबह मैंने इनको बताया कि फोन इसे राताकोट में चल रहा है, वहीं चोरी हुआ था ना, ठीक है। फिर उन्होंने कहा शाम को भाई साहब वीडियो बनेगा, और फिर बाद में इनको मैसेज करके बुलाया गया, मेरे भाई साहब वापस आओ, वीडियो तो बनाना जरूरी हो रहा है, चीज़ें तो ओरिजिनल बताएं। तो नमस्कार दोस्तों, मिलिए आपसे, ये मंगलम होटल पे हैं। आप बताएं आप कहाँ रहते हैं, क्या होता है थोड़ा बताओ। बांदनवाड़ा के पास है पड़ांगा गांव। हाँ हाँ हाँ, वहाँ रहता हूँ मैं, ठीक है। और राताकोट क्या करने गए थे, फोन देने के लिए किसको गए थे? नहीं मतलब बुआ रहती है वहाँ मेरी, वहाँ मिलने के लिए गया। हाँ। फिर वापस आ रहा था तो बाइक से गिर गया। अरे बाइक से गिरा क्या? हाँ, अच्छा, बाइक से गिरा। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। फिर पता नहीं, वापस ढूंढने भी गया था फिर नहीं मिला। फिर मैं डायरेक्ट दुकान आया यहाँ पे सोनविया के पास, आके बिल दिया इनको। फिर आप सोनविया ने चेक भी किया, लेकिन फिर बोला कि चलो थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4 महीना लग जाएगा। फिर बाद में 7 महीना बाद फिर आज मेरा मोबाइल। अरे 7 महीने हो गए? 7 महीना। वाह, कौन सा, ये वाला है? हाँ यार, फोन तो एकदम नया लग रहा है बिल्कुल। नहीं, ये 2 महीना चलाया मैंने। फोन का एकदम लुक देखो, बिल्कुल नया है। क्या बात है। हाँ, अब गांव जाने पे क्या बोला उसको? सीधे उसके घर गया? हाँ, सीधे नाम पता बताया था। हाँ, उसके घर गया और उसको बोला कि भाई मेरा मोबाइल तेरे पास है क्या? जो वो बोला कि नहीं मेरे पास तो नहीं है भाई। हाँ, तो फिर उसने बताया कि भाई कि मेरे मम्मी ने दिलाया मेरे को मोबाइल। फिर दिलाए तो भाई बिल कहाँ है? हाँ। बिल दिखा, डब्बा दिखा। हाँ। तो उसके पास है ही नहीं, तो वो कहाँ से दिखाएगा? हाँ, हाँ, हाँ। फिर मेरे को बोला कि चलो तेरे पास है तो तेरे क्या प्रूफ है तेरा मोबाइल है? हाँ। मैं बोला देख ले, ये है। हाँ, हाँ। तो फिर बाद में उसके बाद दे दिया मोबाइल। हम 5-7 आदमी गए थे। अच्छा, फिर दे दिया। थोड़ी देर उसने टंटनाट करी है। हाँ, फिर मैंने बोला कि अभी पुलिस वाले आएंगे तो मत दे मेल, तेरी इच्छा है मत दे मोबाइल, सब पुलिस वाले ले लेंगे, फिर तेरी गांड लाल भी करेंगे। और उल्टे पैसे भी लेके जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो फिर बाद में मोबाइल दे दिया उसने, बाद में दे दिया ना, दे दिया, ठीक है। और कुछ पैसे वैसे की डिमांड रखी आपने? नहीं, कुछ नहीं, कुछ छोड़ दिया अपना बंदा। वो गरीब भी थे, वो तो उल्टे मेरे से पैसे मांग रहे हैं। कभी कहो तेरे मोबाइल हमारे को मिला तो हमारे को कुछ पैसे दो। अरे तेरी तो। तो फिर बाद वहाँ पे होटल पे कितने जनों को बता दिया फोन मिल गया है? सारे को पता चल गया। सारे को पता चल गया ना। तो कुल लाके चीजें अच्छी है, खुशियाँ मिलती है, भैया भी बहुत खुश है। खोने का गम नहीं, उससे ज्यादा गम पाने का, मतलब खुशियाँ पाने की हो गई है कि यार अपनी चीज अपने पास घर आ गई है। और ऐसे कितने जनों के मिलते हैं? बहुत से जने तो क्या है, वो आते ही नहीं वीडियो बनवाने, तो हम भी क्या करें। जो आ जाते हैं उनका वीडियो बन जाता है, ठीक है। तो कम से कम लोगों तक हमारी जानकारी पहुंचे कि पता चले कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। गोदाम मोबाइल कुछ दुकान पे बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है, ये वाली एक सुविधा तो है ही है, जो और कहीं भी नहीं है मेरे अलावा। मैंने कितने दुकानदारों को भी मदद भी करी है, उनके भी फोन ढूंढ ढूंढ के बताया मैंने, मगर अब ठीक है, उनके वीडियो तो बना नहीं पाते ना, वो अपनी दुकान पे कुछ प्रमोट करते रहते हैं। और आप भी जुड़ करके देखिए एक बार, गोदाम मोबाइल खुशियों की दुकान विजयनगर शहर में है, और एकमात्र ऐसी दुकान है हमारे इस क्षेत्र में, 100-100 किलोमीटर तक देख लेना, जिसके पास मोबाइल संबंधी सारी चीज़ें होती है, चाहे आपका सिम कार्ड हो, रिचार्ज हो, कवर, ग्लास, ब्लूटूथ एक्सेसरीज, ईयरफोन, ओरिजिनल रिपेयरिंग, मतलब आपका फ़ोन ख़राब है तो ओरिजिनल रिपेयरिंग हम सर्विस सेंटर से कराते हैं लड़का बेच करके, और ये घड़ियाँ वगैरह जितनी चीज़ें आप सोच सकते हो मोबाइल संबंधी होनी चाहिए, वो गोदाम मोबाइल खुशियों की दुकान में ज़रूर मिलेगी, और वो भी सबसे बेहतर रेटों में। हमारी रेटें भी आप अगर कंपेयर करोगे तो दूसरी जगह एसेसरीज में हम बहुत प्यारी रेट देते हैं, ओरिजिनल एसेसरीज होती है और बहुत अच्छी रेट में मिलती है, दूसरी जगह बहुत महंगा है, मतलब हमने नोट किया कहीं कहीं जा के, तो हमारे से उनका फ़र्क भी होता है, और सर्विस भी फास्ट और 365 दिन अवेलेबल है। किसी भी दिन शॉप पे आएँ, शॉप खुली मिलेगी, हमारी टीम काम करती हुई मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, जुड़कर देखें गोदाम मोबाइल खुशियों की दुकान से।